नदी किनारे एक बहुत बड़ा जंगल था। जंगल का राजा शेर अपने शासन को बड़े अनुशासित तरीके से चलाता था। शेर के राज में जंगल के सारे जानवर बहुत खुश थे और बड़े आराम से जंगल में अपना गुजर बसर करते रहते थे। एक दिन कहीं से नदी के किनारे के पेड़ पर एक खूंखार और भयानक चुड़ैल रहने के लिए आ गई। नदी में जंगल का कोई भी जानवर पानी पीने के लिए जाता तो वह उसे छुपकर खा जाती और उसकी बची खुची हड्डियों को वह नदी के किनारे पर फेंक देती थी। इस प्रकार धीरे धीरे उस चुड़ैल ने एक दिन में बहुत सारे जानवरों को मारना शुरू कर दिया। कभी कभी तो वह रास्ते से गुजर रहे इंसानों को भी झपट लेती थी और उसे मारकर खा जाती। वह जानवरों और इंसानों को मारकर बहुत शक्तिशाली होती जा रही थी और उसने इंसानों को और जानवरों को पेड़ पर उल्टा लटकाना भी शुरू कर दिया था। धीरे धीरे करके जानवरों की हड्डियों का ढेर लगने लगा नदी किनारे पर। उन उल्टे लटके हुए जानवरों और इंसानों को देखकर और उन हड्डियों के ढेर को देखकर उसे बड़ी खुशी मिलती कि वह कितनी शक्तिशाली हो गई है और इस पूरी नदी पर मेरा ही राज है। और पूरी नदी पर वह उड़ती रहती, कभी इधर जाती कभी उधर जाती। धीरे धीरे करके मैं सारे जंगल पर अपना राज कर लूँगी, ऐसे करके वह मनीमन बड़ी खुश होती थी। जंगल के जानवरों में डर बढ़ने लगा कि धीरे धीरे करके सारे जानवर कम हो रहे हैं। तो एक दिन सारे जानवरों ने मिलकर शेर के दरबार में एक मीटिंग बुलाई कि इस प्लान के हिसाब से अगले दिन ही सुबह सारे जानवर एक जगह इकट्ठे हो गए और सब कल वाली बात को लेकर अपने आपस में बातें कर रहे थे। और इतने में ही शेर राजा वहां आ गया और बोला, सुनो सब आ गए क्या? तभी लोमड़ी आ गया, हाँ महाराज सब आ गए। ठीक है, सबको कल का प्लान याद है ना? हम सब झाड़ियों के पीछे रहेंगे, सिर्फ हाथी ही नदी के किनारे पर पानी पीने के लिए जाएगा, ठीक है? हाथी राजा, तुम घबराना नहीं, हम सब तुम्हारे साथ हैं, तुम हाँ पानी पीने के लिए जाना, ठीक है? ठीक है महाराज, मैं जाता हूँ पानी पीने के लिए, लेकिन आप सब सतर्क रहना, जैसे ही वो आए उस पर झपट जाना। हाथी नदी किनारे पानी पीने के लिए गया। जैसे ही हाथी ने पानी पीना शुरू किया, चुड़ैल को पानी में हाथी की थोड़ी सी सूंड ही दिखाई दी। तो उसने सोचा, कोई छोटा सा जानवर होगा, इसको तो मैं यूं चुटकियों में पकड़कर खा जाऊंगी। जैसे ही उसने हाथी की सूंड पर झपटा मारा तो हाथी चिल्लाया और प्लान के मुताबिक शेर ने पीछे से चुड़ैल पर हमला कर दिया और उसकी गर्दन को पकड़कर दबोच लिया। इस प्रकार चुड़ैल को मार दिया और जंगल के सारे जानवर बहुत खुश हो गए कि चलो इस मुसीबत से तो पीछा छूटा।